अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो AWES आर्मी पब्लिक स्कूल्स आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की डिफरेंट पोस्टें आउट हुई हैं उसका जो नोटिफिकेशन है आज डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो में ये भी आपको बताऊंगा कि अगर कोई कंप्यूटर टीचर के लिए अप्लाई करना चाहता है फॉर PGT, TGT एंड PRT, क्या वो विद और विदाउट BEd एलिजिबल है या नहीं है, तो ये सारा प्रोसेस आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे फ्यूचर अपडेट्स के लिए। फॉर्म कैसे फिल करना है, फ़ीस कितनी होगी, ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड करके रखा है जो मैंने सिर्फ आपको बताया TGT के लिए। नेक्स्ट मैं वीडियो PRT एंड PGT के लिए अपलोड करूँगा जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। उसमें मैंने ये भी बताया कि अगर आपकी करेक्शंस वगैरह रहती है, फ़ी पेमेंट हो गई है, पेंडिंग है, सारा प्रोसेस में बताया जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, वो आप देख सकते हैं जो कि आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ये वेबसाइट है AWES इंडिया, वेबसाइट पर जाएंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, सबसे लास्ट में राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट OST, फुल फॉर्म है इसकी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट 2024। यहाँ पर आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे, इसको आप ओपन कर लीजिए। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस पहले हम रीड करते हैं, स्टार्टिंग में पहले मैं आपको बता देता हूँ है क्या, इनके बिगनिंग से ही शुरू करते हैं। सो आपको पता है कि ये जो है नवंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, 24th एंड 25th को इनका एग्ज़ाम है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है। हाँ या दिस वन यहाँ दिया गया है 24 एंड 25th को है, या 23rd को भी है। ऑनलाइन मोड में आपका टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें बताया विद इन 2 ईयर्स ऑफ बींग अपॉइंटेड विद द ओवरऑल रॉ स्कोर ऑफ 50%। तो इसमें जो रेगुलर कैंडिडेट हैं उनके लिए है, ये फिक्स टर्म है इनका। इसमें सबसे पहले आपके 100 मार्क्स इसमें है, 80 इसमें है। नोट, 4 कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड OST, द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एज एप्लीकेबल इन द ईयर ऑफ पासिंग विल अप्लाई। तो इसकी वैलिडिटी होती है, तो इसकी वैलिडिटी 3 ईयर्स होती है। जैसे DAV का भी CBT पिछले साल से आउट हो गया है, जो इस बार हुआ था रिसेंटली मार्च अप्रैल में, तो वैसे ही है, उसकी वैलिडिटी 1 ईयर थी, लेकिन इनकी 3 ईयर्स रहती है। इन एडिशन टू फ्रेश कैंडिडेट, ये तो था जो रेगुलर कैंडिडेट्स है, फ्रेश कैंडिडेट्स को ये टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा और उनको स्कोर कार्ड मिलेगा। जो स्कोर कार्ड रहेगा वो आपका पेपर होगा, उसके बेसिस पर रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा सर आपको बताऊँगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा बी में, और फिर आपको कॉल फॉर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो भी वहाँ पर पोस्ट होगी, रेगुलर पोस्ट है या उनकी जो भी पोस्ट हैं लोकल पोस्ट हैं, जो वो आपको वेबसाइट से ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वेबसाइट है, वैकेंसीज में आपको सारा कुछ शो होता रहता है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, इवेल्यूएशन होगा आपका टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफेंसी के बेसिस पर। सो ये आप देख सकते हैं, गाइडलाइंस देख लीजिए, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दी गई है। तो यहाँ पर देखिए पोस्टें हैं, PGT पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए 50% BEd के साथ, TGT ग्रेजुएशन चाहिए 50% विद BEd, PRT ग्रेजुएशन चाहिए 50%, इसमें आपका जो भी DLED है, BLED है, BEd है, वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं कंप्यूटर टीचर्स वाला कंसेप्ट वीडियो के बीच में एक्सप्लेन करूँगा कि जो PRT, TGT और PGT हैं वो है एलिजिबल विद और विदाउट BEd या नहीं। PRT कंप्यूटर टीचर की पोस्टें नहीं है, ये आपको पहले बता दूँ मैं। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, आपको पता है आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, जो भी इनकी ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है या BEd है वो आपके होने चाहिए। CTET इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अपियरिंग इन द ऑनलाइन टेस्ट, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो उसके लिए CTET मैंडेटरी नहीं है। एंड ऑल्सो देयर फॉर कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर डैट दे क्लियर CTET एंड TET बिफोर देयर अपॉइंटमेंट, मतलब जब आपकी पोस्टें निकलेंगे उससे पहले आपको ये CTET, PTET जो भी आपका स्टेट का निकलता है वो देना पड़ेगा। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट क्वालिफाइड CTET, TET बट फाउंड फिट ऑल अवर एस्पेक्ट्स मे बी कंसिडर्ड एज अपॉइंटेड ऑन वैकेंसीज विच मे बी एड हॉक इन नेचर। जैसे आपका टेस्ट क्वालिफाई हो गया, ये जो इनका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, लेकिन आपका CTET नहीं है तो फिर भी आपको ये आगे कंटिन्यू कराएंगे एज़ पर जो भी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी ऑन इंटरव्यू, तो आपको एडहॉक बेसिस पर ये अपॉइंट करवाएंगे। बाकी जो बाई लॉज हैं CBSE के वो आप देख सकते हैं, NCT रूल्स बाई लॉज यहाँ दिए गए हैं 2018 बिफोर दे रजिस्टर फॉर OCT। मैंने ऑलरेडी जब मैंने पोर्टल पर रजिस्टर करते हैं सारा मैंने बताया है। सो ये अपेंडिक्स वगैरह ये आप डिटेल में देख सकते हैं। एज लिमिट की बात करें, आर्मी स्पाउस हैं जो यहाँ पर बताया गया, मिनिमम
क्यूमुलेटिव टीचिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, बिलो 40 फ्रेशर्स नॉन टीचिंग, नो टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए बिलो 40, बिलो 45 5 ईयर्स, बिलो 50 7 ईयर्स और बिलो 57 9 ईयर्स। इसमें एक्सपीरियंस इज क्यूमुलेटिव है। तो अगर आप बिलो 40 हैं नो नीड फॉर एक्सपीरियंस, बट अगर आप इससे ऊपर हैं तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आपका ये जो एज दी है 5 ईयर्स 7 ईयर्स 9 ईयर्स, और ये मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर ही दिया है। चलिए सैलरी वगैरह तो आपको पता है इसमें अच्छी होती है एज़ पर जो भी यहाँ पर बताया गया है एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो वो आपको जब आपका इंटरव्यू वगैरह होगा उसमें बता दिया जाएगा, सैलरी का मैं अलग से बना दूंगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया था 23rd एंड 24th को होगा, रिजर्व डेट 25 है। इसमें शफलिंग वगैरह हो सकती है डेट में, वैसे डेट्स इनकी फिक्स ही रहती है। मेथड मैंने आपको बताया था ऑनलाइन मोड में इनका एग्ज़ाम होगा, एमसीक्यू फॉर्मेट होगा। एग्ज़ाम सेंटर्स आपने जो भी चूज़ किए हैं रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर उसके अकॉर्डिंग आएगा, 100% आपका वही प्रेफरेंस आएगा जो आपने फर्स्ट चूज़ किए हैं। वैसे 3 प्रेफरेंसेस के ऑप्शन हैं वहाँ पर। इसमें आपके 200 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें आपको 50% मार्क्स लेना ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट, देयर विल आल्सो बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। सो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, सो उसका ध्यान रखिएगा, बड़े ही ध्यान से आपको आंसर चूज़ करना पड़ेगा। द रिजल्ट वुड बी जनरेटेड एज पर एज फॉलोज, क्वेश्चन जो भी ऑफर्ड किए गए हैं, क्वेश्चन अटैम्प्ट है, क्वेश्चन नॉट अटैम्प्ट है, और फाइनल आपका स्कोर कार्ड मिलेगा जो आपको उनकी वेबसाइट से मिल जाएगा जो भी आपको ID एंड पासवर्ड लॉग इन करने के लिए दिया है। फी स्ट्रक्चर इनका जो OST का दिया गया है, द स्कोर कार्ड विल बी अवेलेबल ऑन 31st मार्च 2025, फाइनल स्कोर कार्ड इज अपलोडेड वंस द रिजल्ट आर रिमूव फ्रॉम द पोर्टल। और जो डुप्लीकेट आपका स्कोर कार्ड होगा उसकी फीस आपको 250 पे करनी होगी, और इनकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है 385, आप 390 मान के चलिए अप्रॉक्सीमेट। रजिस्ट्रेशन इनकी 10 सितंबर से स्टार्ट है और लास्ट डेट 25th अक्टूबर है। ऑनलाइन मोड मैंने आपको सारा बता ही दिया है वीडियो में। कोई आपको प्रॉब्लम आती है इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे थ्रू भी ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट, जो मैंने आपको बता ही दिया है कैसे आप अप्लाई करेंगे मोर देन वन पोस्ट, मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था। मोर क्वेश्चन, 10% ऑफ टोटल क्वेश्चन पेपर्स ऑफ ई सब्जेक्ट्स एज पर ब्लू प्रिंट ऑफ ई सब्जेक्ट विल बी प्रोवाइडेड इन PDF फॉर्मेट अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, जो कि आपकी 1st नवंबर को हो जाएगी। एडमिट कार्ड्स आपको पता ऑनलाइन आएंगे, आप लॉगिन करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके 12 नवंबर को आ जाएंगे एडमिट कार्ड्स। एग्जामिनेशन आपको मैंने बता ही दिया है, रिजर्व डेट आपकी ये रहेगी, और पब्लिकेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट आपका 10 नवंबर को आउट हो जाएगा ऑफ दिस ईयर। तो ये तो थी मेन मेन चीज़ें। नेक्स्ट चलते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर। तो ये तो आपके एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, कौन कौन से आपके आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं और एग्ज़ाम सेंटर्स, और इसमें ही होंगे ये क्लस्टर्स हैं कहाँ पर आपका है आर्मी स्कूल। नीचे प्रोसीड करते हैं, या ये है सब्जेक्ट्स PRT के लिए, ये सब्जेक्ट की पोस्ट हैं, आप देख लीजिए कौन सा आपका सब्जेक्ट है। मैं इसको नीचे स्लोली स्क्रॉल डाउन करता हूँ। TGT के लिए आप देख सकते हैं ये सब्जेक्ट्स हैं। PRT मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कंप्यूटर टीचर की पोस्ट नहीं है और अदर स्पेक भी नहीं है, इसमें फिजिकल एजुकेशन और PRT विदाउट फिजिकल एजुकेशन है। तो बाकी सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट, तो देखिए एज पर क्वालिफिकेशन जो है अदर सब्जेक्ट की सेम रहेगी, जब KVS में NVS में या अदर जो भी आपके टीचिंग पोस्ट हैं लाइक दिल्ली पब्लिक स्कूल्स की या EMRF की सेम रहती हैं। लेकिन जो कंप्यूटर टीचर की पोस्ट है उसमें देखिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले तो आपको पता है पोस्ट ग्रेजुएशन 55% मार्क्स के होने चाहिए, और यहाँ पर चलिए कंप्यूटर या दिस वन इसमें दिया है नोट फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन द इन कम्बेंटेंट विल हैव टू एक्वायर BEd और इक्विवेलेंट डिग्री। मतलब इसमें जो है आपका PGT कंप्यूटर साइंस में आपका, देखिए पहले तो इन्होंने BTech मांगा है या BE मांगा है, सेकेंड भी पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है, MSc मांगा है, BSc मांगा है, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है, या DOEC का ये मांगा है इन्होंने बी लेवल का कोर्स। लेकिन इसमें आप विदाउट BEd डिग्री भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें PGT इन्फॉर्मेटिक्स की, इसके लिए आपकी BEd ज़रूरी है। आप वो जो मैंने ऊपर पोस्ट आपको बताई थी उसमें देखिए दिया गया है BEd और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, BEd या उससे इक्विवेलेंट डिग्री, डिज़ाइन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ये आपको पता ही है, या इस पॉइंट की बात मैं आपसे कर रहा था
बीएड इज नॉट मैंडेटरी फॉर पीजीटी कंप्यूटर साइंस, लेकिन एज पर हम केवी की बात करें, केवीटी संगठन रिक्वायरमेंट जो रूल्स हैं, जो मॉडिफिकेशंस हुई, आप देख सकते हैं ये जो इनका मेमोरेंडम है वेबसाइट पर जाकर, कि जो पीजीटी कंप्यूटर साइंसेस के लिए बीएड कंपलसरी नहीं है। अगर आप बीएड होल्डर हैं दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस हैं। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं बाकी जो पोस्ट हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ टीजीटी कंप्यूटर साइंस, दिस वन टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, पीआरटी आ गया, और उसके बाद ये सिलेबस है। चलिए कंप्यूटर साइंस अगेन हम सर्च करते हैं, कंप्यूटर साइंस ये हमने देख लिया, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी आपको मैंने बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया पॉइंट मैंने आपको, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। या ये है टीजीटी मैथमेटिक्स, अब देखिए ये है टीजीटी कंप्यूटर साइंस, इन्होंने बीसीए मांगा है और इक्विवेलेंट इन कंप्यूटर साइंस। नीचे मूव करते हैं, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, नोट रिलैक्सेशन इज बीएड क्वालिफिकेशन इज नॉट अवेलेबल इन टीजीटी कंप्यूटर साइंस, मतलब इसमें आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी बीएड की। अगर आपने टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना है तो यू मस्ट हैव बीएड डिग्री, कंपलसरी है। तो ये है आपकी टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट। बाकी देखते हैं सिलेबस के बारे में, सिलेबस की बात करें पीआरटी है, उसके लिए वेबसाइट पर आप देख सकते हैं जो भी इनका सिलेबस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन है, ये तो है जो है फिजिकल एजुकेशन टीचर, उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन देख लीजिए, क्वालिफिकेशन ऑल ओवर सेम ही होती हैं जो मैंने आपको बताया। कंप्यूटर जी पोस्टें उसके लिए थोड़ा सा आपको पता है डिफरेंशिएट होता है। तो चलिए पैटर्न देख लेते हैं, 3 आवर्स का आप एग्ज़ाम होगा, 200 क्वेश्चंस होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी 200 होंगे। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर पीआरटी, इसमें आपके सेक्शन ए बेसिक जीके एंड करंट अफेयर्स होंगे फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 10। आप देख सकते हैं टॉपिक कौन कौन से हैं और कौन कौन से क्वेश्चन में वेटेज क्या रहेगी। सेक्शन बी पैडागोगी होगा, उसके बाद करिकुलम होगा, एजुकेशन पॉलिसीज होंगे। सेक्शन सी आपका सब्जेक्ट का होगा जिसमें एकेडमिक प्रोफिशिएंसी चेक की जाएगी, यहाँ एनसीईआरटी बुक्स आपने फॉलो करनी है। तो साइंस की यहाँ बताया गया सोशल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, इंग्लिश देन सॉन, जो ये आपकी नॉलेज होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी की बुक्स आप फॉलो करनी शुरू कर दीजिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं। उसके बाद ये टीजीटी की है तो उसके लिए भी इसमें है सेम बेसिक जीके करंट अफेयर्स, पैडागॉजी, करंट पॉलिसी, करिकुलम, एजुकेशन पॉलिसी मैटर, एकेडमिक प्रोफिशिएंसी। तो इसमें आप देख लीजिए वेटेज, देख लीजिए कौन कौन सी है क्वेश्चंस की, कैसे क्वेश्चंस आएंगे और ये टॉपिक्स हैं, इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे इसमें देखिए आरटीई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, और लेटेस्ट एनसीएफ बियॉन्ड 2005। और इसमें देखिए हायर सब्जेक्टिव नॉलेज भी मांगी गई है 9th and 10th, देन +1 and +2 के ऊपर। प्रोफिशंसी लेवल है जो आपका यहाँ पर बताया गया, डिफ़िकल्टी होगा एज पर ग्रेजुएशन लेवल तक, इन्होंने स्पेशली लिखा है। अगर हम बात करें पीजीटीज की तो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन का टफी पेपर आएगा, तो इसमें आप देख लीजिए जो जो से हैं टॉपिक्स सेम ही हैं, बट ये है कि लेवल थोड़ा हाई हो गया और इनका लेवल आपका आएगा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, मतलब पीआरटी आप ले लीजिए स्कूल लेवल, टीजीटी ग्रेजुएशन लेवल और पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। तो ये क्वेश्चंस की वेटेज देख लीजिए पूरी, मैंने ऑल ओवर ये जो है पीडीएफ वगैरह अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की है। स्टार्टिंग में आपको एग्ज़ाम सेंटर्स की बात कर रहा था, जो मैं क्लस्टर जो इनके जोन्स थे उसके बारे में बता रहा था, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर्स इनके ये हैं ऑल ओवर इंडिया में 41 एग्ज़ाम सेंटर्स हैं। जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर क्लोज पड़ता है वाइल फिलिंग द फॉर्म आप उसको फिल कर दीजिए। तो ये है इनका 21 पेजेस का पूरा जनरल इंस्ट्रक्शंस। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपके माइंड में क्यूरी या क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, टीजीटी पीआरटी और जो फर्दर पोस्टें हैं कौन कौन सी है वो भी मैंने आपको बता दिया, सिलेबस के बारे में बता दिया। फिलहाल कोई भी पॉइंट आपको लगता है कि हमारा मिस रह गया है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसी फर्दर वीडियोस के लिए ज़रूर हमें सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को मेरी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप मोर देन वन पोस्ट के लिए सेम पोर्टल के अंदर कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम।